मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता के इस पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। स्नेह से भरा यह पर्व हमारे सभी भाइयों बहनों के जीवन में आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो, सपनों को साकार करने वाला हो और स्नेह की सरिता को बढ़ाने वाला हो। आज जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, उसी समय देश के अनेक भागों में अति वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कईयों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, सभी संगठन नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, तब देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के बिगल में अहिंसा के स्वर भर दिए, पूज्य बापू के नेतृत्व में देश ने आजादी पाई। मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। उसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद इतने वर्षों में देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लक्षावधि लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं आज आजाद भारत के विकास के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। अभी इस नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने
जिन आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम, 10 सप्ताह के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। 60 साल की आयु के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो उस समय कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए, इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, नई व्यवस्थाओं की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है। उन चीजों को ध्यान रखते हुए मेडिकल एजुकेशन को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आज पूरे विश्व में बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाएं सुनते हैं, भारत भी हमारे छोटे छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड़ सकता है। उन बालकों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था, हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है। भाइयों बहनों, 2014 से 2019 5 साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया, अनेक चीजें ऐसी थी, सामान्य मानवी अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए जूझता था। हमने 5 साल लगातार प्रयास किया कि हमारे नागरिकों की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, खास करके गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की, उन पर बल देने का हमने प्रयास किया और गाड़ी को हम ट्रैक पर लाए और उस दिशा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वक्त बदलता है, अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था तो 2019 के माल का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है। और इसलिए 21वीं सदी का भारत कैसा हो,
कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। 2014 में मैं देश के लिए नया था। 2013-14 में चुनाव के पूर्व मैं भारत भ्रमण करके मैं देशवासियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक निराशा थी, एक आशंका थी। लोग सोचते थे क्या ये देश बदल सकता है, तो क्या सरकारें बदलने से देश बदल जाएगा। एक निराशा जन सामान्य के मन में घर कर गई थी। लंबे कालखंड के अनुभव का यह परिणाम था। आशाएं लंबी टिकती नहीं थी, पल दो पल में आशा और निराशा के गर्त में डूब जाती थी। लेकिन जब 2019 में 5 साल के कठोर परिश्रम के बाद जन सामान्य के लिए एकमात्र समर्पण भाव के साथ दिल दिमाग में सिर पर सिर्फ मेरा देश, दिल दिमाग में सिर पर सिर्फ मेरे देश के करोड़ों देशवासी, इस भावना को लेकर के चलते रहे, पल पल उसी के लिए खपाते रहे। और जब 2019 में गए मैं हैरान था, देशवासियों का मिजाज बदल चुका था, निराशा आशा में बदल चुकी थी, सपने संकल्पों से जुड़ चुके थे, सिद्धि सामने नजर आ रही थी, और सामान्य मानवी का एक ही स्वर था, हां मेरा देश बदल सकता। सामान्य मानवी की एक ही गूंज थी, हां हम भी देश बदल सकते हैं, हम पीछे नहीं रह सकते हैं। 130 करोड़ नागरिकों की चेहरे के ये भाव, भावनाओं की ये गूंज हमें नई ताकत, नया विश्वास देती थी। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चले थे, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर ही देशवासियों ने सबके विश्वास, सबका विश्वास के रंग से पूरे माहौल को रंग दिया। ये सबका विश्वास ही 5 साल में पैदा हुआ जो हमें आने वाले दिनों में और अधिक सामर्थ्य के साथ देशवासियों की सेवा करने का। इस चुनाव में मैंने देखा था और मैंने उस समय भी कहा था, न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था, न कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था, न मोदी चुनाव लड़ रहा था, न मोदी के साथी चुनाव लड़ रहे थे, देश की जाम आदमी जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी। 130 करोड़ देशवासी चुनाव लड़ रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। लोकतंत्र का सही स्वरूप इस चुनाव में नजर आ रहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, समस्याओं का समाधान इसके साथ साथ सपनों संकल्प और सिद्धि का कारखाना हमें अब साथ साथ चलना है। ये साफ बात है कि समस्याओं का जब समाधान होता है तो स्वावलंबन का भाव पैदा होता है, समाधान से स्वावलंबन की ओर गति बढ़ती है। जब स्वावलंबन होता है तो आपको आप अपने आप स्वाभिमान उजागर होता है और स्वाभिमान का सामर्थ्य बहुत होता है, आत्मसम्मान का सामर्थ्य किसी से भी ज्यादा होता है। और जब समाधान हो, संकल्प हो,
सामर्थ्य हो, स्वाभिमान हो, तब सफलता के आड़े कुछ नहीं आ सकता है। और आज देश उस स्वाभिमान के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कृतनिश्चयी है। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आएगी, एक साथ वाहवाही के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना ये तरीका देश को सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा। हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी। आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी, वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी इन मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए, हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोड़ने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। उसी प्रकार से मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अनुच्छेद 370 35A आर्टिकल 370 और 35A क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया, मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्म दिया है, परिवारवाद को पोषा है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिए वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, वहां के मेरे दलित भाइयों बहनों, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था वहां नहीं मिलता था। हमारे देश के जनजातीय समूह, देश के जनजातीय समूहों को, ट्राइबल्स को जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां के हमारे कई ऐसे समाज व्यवस्था के लोग, चाहे वह गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, बाल्टी हो, ऐसे अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उसे देने की दिशा में हम हैरान हो जाएंगे। वहां के हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के साथ कानूनी रोक लगा दी गई थी, उनके सपनों को कुचल दिया गया था, आज हमने उनको यह आजादी देने का काम किया है। भारत विभाजन हुआ, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित होकर के आए, उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आकर के बसे उनको मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के हम अंदर मेरे पहाड़ी भाई बहन भी है और इसलिए उनकी भी चिंता करने की दिशा में हम कदम उठाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख समृद्धि शांति के लिए, भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करें। अब देश का, जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है, उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएगी। ये सीधी सीधी व्यवस्था आज हम कर पाए हैं। लेकिन जब देश, पूरा देश, सभी राजनीतिक दलों के भीतर भी एक भी राजनीतिक दल अपवाद नहीं है, धारा 370, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, 35A को हटाने के लिए, कोई प्रखर रूप से तो कोई मूक रूप से समर्थन देता रहा है, लेकिन राजनीति के गलियारों में चुनाव के तराजू से तोलने वाले कुछ लोग 370 के पक्ष में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं उनको देश पूछ रहा है
अगर ये अनुच्छेद 370, ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया, टेम्पररी क्यों बनाए रखा? अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है, आप भी जानते थे कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था, राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्य सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता। हमारे संविधान निर्माताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों ने देश की एकता के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए उस कठिन समय में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, हिम्मत के साथ फैसले लिए, देश के एकीकरण का सफल प्रयास किया। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं, तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव, यह चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश को नई ऊंचाइयों को पार करना है, देश को विश्व के अंदर अपना स्थान प्रस्थापित करना है, तो हमें अपने घर में भी गरीबी से मुक्ति का भान को बल देना ही होगा। ये किसी के लिए उपकार नहीं है, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। गत 5 वर्ष में गरीबी कम करने की दिशा में, गरीबों की संख्या गरीबी से बाहर आए उस दिशा में बहुत सफल प्रयास हुए हैं। पहले की तुलना में ज्यादा तेज गति से और ज्यादा व्यापकता से इसमें सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी
गरीब व्यक्ति सम्मान अगर उसको प्राप्त हो जाता है, उसका स्वाभिमान जग जाता है, तो वो गरीबी से लड़ने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेगा। वो अपने सामर्थ्य से गरीबी को परास्त करने के लिए आएगा। हम में से किसी से भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में जूझने की ताकत अगर किसी में है तो मेरे गरीब भाइयों बहनों में है। कितनी ठंड क्यों ना हो, वो मुट्ठी बंद करके गुजारा कर सकता है। जिसके भीतर यह सामर्थ्य है, आइए उस सामर्थ्य के हम पुजारी बने। और इसलिए उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों को हम दूर करें। क्या कारण है कि मेरे गरीब के पास शौचालय ना हो, घर में बिजली ना हो, रहने के लिए घर ना हो, पानी की सुविधा ना हो, बैंक में खाता ना हो, कर्ज लेने के लिए साहूकारों के घर जाकर के एक प्रकार से सब कुछ गिरवी रखना पड़ता हो। आइए गरीबों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को, उनके स्वाभिमान को ही आगे बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए हम उसको प्रयास करें। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए, बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से किए हैं। सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती, माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के दो दो तीन तीन पांच पांच किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है। और इसलिए हमने, इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे, और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने, पानी का महत्व समझे, हमारे शिक्षा क्रमों में भी बच्चों को भी बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए, पानी संग्रह के लिए, पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, और इस देश के महान संत सैकड़ों साल पहले संत थिरुवल्लुवर जी ने उस समय एक महत्वपूर्ण बात कही थी। सैकड़ों साल पहले, तब तो शायद किसी ने पानी के संकट को सोचा भी नहीं होगा,
पानी के महात्मा को भी नहीं सोचा होगा। और तब संत थिरुवल्लुवर जी ने कहा था, निर इंद्रु अमियाधु उलगह, निरेंद्रु अमियाधु उलगह। यानी जब पानी समाप्त हो जाता है तो प्रकृति का कार्य थम जाता है, रुक जाता है, एक प्रकार से विनाश प्रारंभ हो जाता है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात में एक तीर्थ क्षेत्र है महुड़ी करके, उत्तरी गुजरात में है, जैन समुदाय के लोग वहां जाते आते रहते हैं। आज से करीब 100 साल पहले वहां एक जैन मुनि हुए, अब वो किसान के घर में पैदा हुए थे, किसान थे, खेत में काम करते थे, लेकिन जैन परंपरा के साथ जुड़ करके वे विकसित हुए, जैन मुनि बने। करीब 100 साल पहले वो लिख करके गए हैं, उन्होंने लिखा है, बुद्धि सागर जी महाराज ने उन्होंने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पानी किराने की दुकान में बिकता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 100 साल पहले एक संत लिख के गया कि पानी किराने की दुकान में बिकेगा। आज हम पीने का पानी किराने की दुकान से लेते हैं, कहां से कहां हम पहुंच गए। मेरे प्यारे देशवासियों, न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें रुकना है, न हमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है। यह अभियान सरकारी नहीं बनना चाहिए, जल संचय का यह अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जन सामान्य के आदर्शों को लेकर के, जन सामान्य की अपेक्षाओं को लेकर के, जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हमारा देश उस दौर में पहुंचा है जिसमें बहुत सी बातों से अब अपने आप को छुपाए रखने की जरूरत नहीं है। हमें चुनौतियों को सामने से स्वीकार करने का वक्त आ चुका है। कभी राजनीतिक नफा नुकसान के इरादे से हम निर्णय करते हैं, लेकिन इससे देश की भावी पीढ़ी का बहुत नुकसान होता है। वैसा ही एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी
वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चढ़ गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है। हम भी उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा, मैं उसको उसके नसीब पर छोड़ दूंगा। कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो, और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है उनके सम्मान की आवश्यकता है, और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, हर किसी ने इस दायित्व को कंधे से कंधा मिलाकर के, हम अस्वस्थ समाज नहीं सोच सकते, हम अशिक्षित समाज नहीं सोच सकते। 21वीं सदी का भारत चाहे सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है, अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो न वो घर भी सुखी होता है न वो देश भी सुखी होता है। जन आबादी शिक्षित हो, सामर्थ्यवान हो, स्किल्ड हो और अपनी इच्छा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त माहौल प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो, तो मैं समझता हूं कि देश इन बातों को पूर्ण कर सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप भलीभांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद हमारे देश को कल्पना बाहर का नुकसान किया है, और ऐसे दीमक की तरह हमारे जीवन में घुस गया है। उसको निकालने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफलताएं भी मिली है, लेकिन बीमारी इतनी गहरी है, बीमारी इतनी फैली हुई है कि हमें और अधिक प्रयास, और वो भी सिर्फ सरकारी स्तर पे नहीं, हर स्तर पे करते ही रहना पड़ेगा और ये निरंतर करना पड़ेगा। ये एक बार करने से होला काला काम नहीं होता है, क्योंकि बुरी आदतें कभी जैसे पुरानी बीमारी होती है कभी ठीक हो जाती है लेकिन मौका मिलते ही फिर से वो बीमारी आ जाती है। वैसे ही एक ऐसी बीमारी है, उसको हमने निरंतर, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इसको निरस्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। हर स्तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता को बल मिले इसके लिए भी भरसक प्रयास किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में भी इस बार आते ही सरकार में बैठे हुए अच्छे अच्छे लोगों को छुट्टी कर दी गई। हमारे इस अभियान में जो रुकावट बनते थे उनसे कहा कि आप अपना कारोबार कर लीजिए, अब देश को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। और मैं स्पष्ट मानता हूं व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। समाज जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसके साथ साथ
व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोगों के दिल दिमाग में भी बदलाव बहुत अनिवार्य होता है, तभी जाकर के हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों बहनों, देश आजादी के इतने साल के बाद एक प्रकार से परिपक्व हुआ है। हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, तभी आजादी सहज संस्कार, सहज स्वभाव, सहज अनुभूति ये भी आवश्यक होती है। मैं हमेशा एक बात मेरे अफसरों के साथ बैठता हूं तो करता हूं, सार्वजनिक रूप से तो बोलता नहीं था लेकिन आज मन करता है मैं बोल ही दूं। मैं अपने अफसरों के बीच में बार बार कहता हूं कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारों की जो दखल है सामान्य नागरिक के जीवन में, क्या हम उस दखल को कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं? आजाद भारत का मतलब तो मेरा यह है कि धीरे 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 सरकारें लोगों की जिंदगी से बाहर आएं, लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए, निर्णय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते उनके लिए खुले होने चाहिए, मन मर्जी पड़े उस दिशा में देश के हित में और परिवार की भलाई के लिए, स्वयं के सपनों के लिए आगे बढ़े, ऐसा इकोसिस्टम हमको बनाना ही होगा। और इसलिए सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जहां मुसीबत की पल हो तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर के आगे बढ़े, सरकार हमारे एक साथी के रूप में हर पल मौजूद हो, जरूरत पड़े तो लगना चाहिए यहां है, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं हम विकसित कर सकते हैं? हमने गैर जरूरी कई कानूनों को खत्म किया गत 5 वर्ष में। एक प्रकार से मैंने प्रतिदिन एक गैर जरूरी कानून खत्म किया था, देश के लोगों को शायद ये बात पहुंची नहीं होगी, हर दिन एक कानून खत्म किया था, करीब करीब 1450 कानून खत्म किए थे, सामान्य मानवीय के जीवन पर से बोझ कम हो। अभी सरकार को 10 हफ्ते हुए, अभी तो इन 10 हफ्तों में 60 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया है। ईज ऑफ लिविंग आजाद भारत की आवश्यकता है, और इसलिए हम ईज ऑफ लिविंग को बल देना चाहते हैं, उसी को आगे ले जाना चाहते हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफी प्रगति कर रहे हैं, पहले 50 में पहुंचने का सपना है, उसके लिए कई रिफॉर्म की जरूरत होती है, कई छोटी मोटी रुकावटें, वरना कोई छोटा सा उद्योग करना चाहता है, कोई छोटा सा काम करना चाहता है, यहां फॉर्म भरो, उधर फॉर्म भरो, इधर जाओ, उस ऑफिस जाओ, सैकड़ों ऑफिसों में चक्कर लगाता रहता है, उसको मेल ही नहीं बैठता है। इनको खत्म करते करते करते, रिफॉर्म करते करते, केंद्र और राज्यों को भी साथ लेते लेते लेते, नगर पालिका महानगर पालिकाओं को भी साथ लेते लेते, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम में बहुत कुछ करने में सफल हुए हैं। और दुनिया को भी विश्वास पैदा हुआ है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है। और ये जब सपना देखता हूं तो मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तो एक पड़ाव है, मेरी मंजिल तो है ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवी के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत न करनी पड़े, उसके हक का उसको सहज रूप से मिले। और इसलिए हमने आगे बढ़ने की जरूरत है, हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश आगे बढ़े लेकिन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, उसके लिए अब देश ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, हमने हाई जंप लगाने पड़ेंगे, हमने छलांग लगानी पड़ेगी,
हमने हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा। भारत को ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में मिलाने के लिए हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ओर भी जाना पड़ेगा। और कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी लिखे, लेकिन सामान्य मानवीय का सपना अच्छी व्यवस्थाओं का होता है। अच्छी चीज उसे अच्छी लगती है, उसे उसमें रुचि बनती है। और इसलिए हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने हो, बस स्टेशन बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, चाहे आधुनिक अस्पताल बनाने हो, चाहे विश्व स्तर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी इन सभी चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देश में सी पोर्ट के लिए भी आवश्यकता है, समान जीवन का भी मन बदला है, हमने इसको समझना होगा। पहले एक जमाना था कि अगर कागज पे सिर्फ निर्णय हो जाए कि एक रेलवे स्टेशन फलाना इलाके में बनने वाला है, तो महीनों तक, सालों तक एक सकारात्मक गूंज बनी रहती थी कि चलो हमारे यहां नजदीक में अब नया रेलवे स्टेशन आ रहा है। आज वक्त बदल चुका है, आज सामान्य नागरिक रेलवे स्टेशन मिलने से संतुष्ट नहीं है, वो तुरंत पूछता है वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे इलाके में कब आएगी। उसकी सोच बदल गई है। अगर हम एक बढ़िया से बढ़िया बस स्टेशन बना दें, 5 स्टार रेलवे स्टेशन बना दें, तो वहां का नागरिक ये नहीं कहता है शाबाश बहुत बढ़िया काम किया है, वो तुरंत कहता है साहब हवाई अड्डा कब आएगा। यानी अब उसकी सोच बदल चुकी है। कभी रेल के स्टॉपेज से संतुष्ट होने वाला मेरा देश का नागरिक बढ़िया से बढ़िया रेलवे स्टेशन मिलने के बाद तुरंत कहता है साहब बात की तो ठीक है, हवाई अड्डा कब आएगा। पहले किसी भी नागरिक को मिले तो कहता था कि साहब पक्की सड़क कब आएगी, हमारे यहां पक्की सड़क कब बनेगी। आज कोई मिलता है तो तुरंत कहता है साहब 4 लेन वाला रोड बनेगा कि 6 लेन वाला। सिर्फ पक्की सड़क तक वो सीमित रहने के लिए होती सोच, और मैं मानता हूं आकांक्षी भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले गांव के बाहर बिजली का खंभा ऐसे ही नीचे ला करके सुला दिया हो तो लोग कहते चलो भाई बिजली आई, अभी तो खंभा नीचे पड़ा हुआ है, गाढ़ा भी नहीं है। आज बिजली के तार भी लग जाए, घर में मीटर भी लग जाए, तो वो पूछता है साहब 24 घंटे बिजली कब आएगी। अब वो खंभे और तार से मीटर से संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है। पहले जब मोबाइल आया तो उसको लगता था कि मोबाइल फोन आ गया, वो एक संतोष का अनुभव करता था, लेकिन आज वो तुरंत चर्चा करने लगता है कि डेटा की स्पीड क्या है। ये बदलते हुए मिजाज को, बदलते हुए वक्त को हमें समझना होगा। और उसी प्रकार से ग्लोबल बेंचमार्क के साथ हमें अपने देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्लीन एनर्जी हो, गैस बेस्ड इकोनॉमी हो, गैस ग्रीड हो, ई मोबिलिटी हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आम तौर पर हमारे देश में सरकारों की पहचान ये बनती रही, इस सरकार ने फलाने इलाके के लिए क्या किया, फलाने वर्ग के लिए क्या किया, फलाने समूह के लिए क्या किया, आम तौर पर क्या दिया, कितना दिया, किसको दिया, किसको मिला, उसी के आसपास
सरकार और जनमानस चलते रहे और उसको अच्छा भी माना गया। मैं भी शायद उस समय की मांग रही होगी, आवश्यकता रही होगी, लेकिन अब किसको क्या मिला, कैसे मिला, कब मिला, कितना मिला, इन सब के रहते हुए भी हम सब मिलकर के देश को कहां ले जाएंगे, हम सब मिलकर को देश को कहां पहुंचाएंगे, हम सब मिलकर के देश के लिए क्या अचीव करेंगे, इन सपनों को लेकर के जीना, जूझना और चल पड़ना ये समय की मांग है। और इसीलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए और हमने रखा है, लेकिन वो हवा में नहीं है। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था, लेकिन 2014 से 2019 पांच साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए, $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करें तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, हमारे समुद्री संपत्ति ब्लू इकोनॉमी इस क्षेत्र को हम बल दें, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को हम ताकत दें, हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बने, दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे, इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं। हमारे देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगा। हम सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने इस सामर्थ्य को समझना है, इस सामर्थ्य को हमने चैनलाइज करना है और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। हर जिले का अपना हैंडीक्राफ्ट है, हर जिले के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं, अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के पास अगर बर्तन मशहूर है उसके तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है।
हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्य है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, और इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे, तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो लेवल के इंडस्ट्रीज को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, और उस ताकत को हमने बढ़ाना है। हमारा देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से जितनी तेजी से हमने वो करना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं। आइए हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के टूरिज्म को बल देना है। क्या हम उस काम के लिए, टूरिज्म बढ़ता है कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बल मिलता है, और दुनिया भर के लोग आज भारत को नए सिरे से देखने के लिए तैयार है। हम सोचें कि दुनिया हमारे देश कैसे आए, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र को कैसे बल मिले, और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की व्यवस्था हो, सामान्य मानवीय की आबादी बढ़ाने की बात हो, बेहतर शिक्षा, नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो, मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर सपनों को साकार करने के लिए ऊंची उड़ान के लिए सारे लॉन्चिंग पैड उनको लिए अवेलेबल होने चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर सरंजाम हो, वो भी देश में बिना बना हुआ हो। तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत को एक नई शक्ति दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज देश में आर्थिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही सानुकूल वातावरण है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबल होती है, व्यवस्थाएं स्टेबल होती हैं, तो दुनिया का भी एक भरोसा बनता है। देश की जनता ने यह काम करके दिखाया है, विश्व भी भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बड़े गर्व और आदर के साथ देख रहा है। हमने इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। आज व्यापार करने के लिए विश्व हमारे साथ उत्सुक है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए हम विकास दर को बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण समीकरण में को लेकर के चले हैं। कभी विकास दर तो बढ़ जाता है लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं रहती, कभी महंगाई बढ़ जाती है तो विकास दर का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन ऐसी सरकार है जिसने महंगाई को कंट्रोल भी किया और विकास दर को आगे भी बढ़ाया। हमारे अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है, और यह मजबूती हमें आगे ले जाने के लिए भरोसा देती है। उसी प्रकार से जीएसटी जैसा व्यवस्था विकसित करना, आईबीसी जैसे रिफॉर्म लाना, ये अपने आप में एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं। हमारे देश में उत्पादन बढ़े, हमारी प्राकृतिक संपदा का प्रोसेसिंग बढ़े, वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडिड चीजें दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो, और दुनिया के अनेक देशों तक हम क्यों न सपना देखें कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई चीज भारत से जाती न होगी, हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से कुछ न कुछ एक्सपोर्ट न होता हो। अगर इस दोनों चीजों को लेकर के हम चले तो हम आबादी बढ़ा सकते हैं, हमारी कंपनियां, हमारे उद्यमी, वे भी दुनिया के बाजार में जाने के सपने देखते, दुनिया के बाजार में जाकर के भारत के रुतबा को वहां आवाज देने की ताकत दे। हमारे निवेशक ज्यादा कमाए, हमारे निवेशक ज्यादा निवेश करे, हमारे निवेशक ज्यादा रोजगार पैदा करे, इसको प्रोत्साहन देने के लिए हम पूरी तरह से आगे आने को तैयार हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी गलत मान्यताओं ने घर कर लिया है, उन मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो देश की वेल्थ को क्रिएट करता है, जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को
आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी। और इसलिए वेल्थ क्रिएशन ये भी हमारे जैसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अहमियत रखता है और उसको भी हमने आगे ले जाना है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करने में लगे हैं, मेरे लिए वे भी हमारे देश की वेल्थ है। उनका सम्मान, उनका गौरव इसको नई ताकत देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम विकास के साथ शांति और सुरक्षा वो उसका अनिवार्य पहलू है। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू है। दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है। दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है। और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंकी घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है। और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कितनी बड़ी दर्दनाक बातें हैं। और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान, चार दिन के बाद वो अपने आजादी का जश्न मनाएगा और ये आजादी उनका 100वां साल है। मैं आज लाल किले से अफगानिस्तान के मेरे मित्रों को जब 100वीं आजादी का उत्सव मनाने जा रहे हैं चार दिन के बाद, मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आतंक और हिंसा का माहौल बनाने वालों को, उनको फैलाने वालों को, भय का वातावरण पैदा करने वालों को नेस्त नाबूद करना सरकार की नीति, सरकार की रणनीति, और उसमें हमारी स्पष्टता साफ है। हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे सैनिकों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। संकट की घड़ी में भी देश को शांति देने के लिए यूनिफॉर्म में खड़े हुए सब लोगों ने अपनी जीवन की अपनी आज आहुत करके हमारी कल को रोशन करने के लिए जीवन खपाया है। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन समय रहते रिफॉर्म की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हमारे देश में सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति, सैन्य संसाधन, उसके रिफॉर्म पर लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। अनेक सरकारों ने इसकी चर्चा की है, अनेक कमीशन बैठे हैं, अनेक रिपोर्ट आए हैं और सारे रिपोर्ट करीब करीब एक ही स्वर को उजागर करते रहे हैं।
19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन बातों को लगातार कहा गया है। हमारी तीनों जल थल नभ, उनके बीच कोऑर्डिनेशन तो है, हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की व्यवस्थाएं हैं। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसा हो, वे अपने अपने तरीके से आधुनिकता के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं, आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा दो कदम पीछे रहे, तीसरा तीन कदम पीछे रहे, तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं, वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे, और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम लोग भाग्यवान हैं कि हम एक ऐसे कालखंड में जन्मे हैं, हम एक ऐसे कालखंड में जी रहे हैं, हम एक ऐसे कालखंड में हैं जब हम कुछ न कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। कभी कभी मन में हमेशा रहता है कि हम आजादी का जंग चल रहा था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महापुरुष अपने बलिदान के लिए स्पर्धा कर रहे थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजा के दीवाने घर घर गली गली जाकर के आजादी के सपनों को साकार करने के लिए देश को जगा रहे थे। हम उस समय नहीं थे, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन देश के लिए हमें मरने का मौका नहीं मिला, देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। और यह सौभाग्य है कि यह कालखंड ऐसा है कि यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य बापू महात्मा गांधी, इनकी 150वीं जन्म जयंती का यह पर्व है। ऐसे अवसर हमें अपने कालखंड में मिले, ये अपने आप में हमारा सौभाग्य है। और दूसरा, हमारी आजादी के 75 साल, देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों का स्मरण हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर को हमने खोना नहीं देना चाहिए। 130 करोड़ देशवासियों के हृदय में महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप, देश की आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप, आजादी के 75 साल और गांधी के 150, इस पर्व को हमारी प्रेरणा का महान अवसर बना करके हमें आगे बढ़ना है। मैंने इसी लाल किले से 2014 में स्वच्छता के लिए बात कही थी, 2019 में कुछ ही सप्ताह के बाद मुझे विश्वास है भारत अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर पाएगा। राज्यों ने, गांव ने, नगर पालिकाओं ने, सबने, मीडिया ने जन आंदोलन खड़ा कर दिया, सरकार कहीं नजर नहीं आई, लोगों ने उठा लिया और परिणाम सामने है। मैं, मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब
इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवे बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती है, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए। हम एक वातावरण बनाएं, दिवाली पर हम जहां भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों ना इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। हम पूरे चीजों को, और जूट के थैले हो मेरे किसानों को मदद करेगा, कपड़े के थैले हो मेरे किसान को मदद करेगा, छोटे छोटे काम है गरीब विधवा मां जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हो, स्वावलंबी भारत की सपना हो, महात्मा गांधी के आदर्शों को जीना आज भी प्रस्तुत है, महात्मा गांधी के विचार आज भी सत्य है, और इसलिए मेक इन इंडिया का जो मिशन हमने लिया है उसको हमने आगे बढ़ाना है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ये हमारी प्राथमिकता क्यों ना होनी चाहिए। हम तय करें कि मैं अपने जीवन में मेरे देश में जो बनता है, जो मिलता है, वो मेरी प्राथमिकता होगी। और हमने तो लकी कल के लिए लोकल प्रोडक्ट पर बल देना है, लकी कल के लिए लोकल, सुहानी कल के लिए लोकल, उज्जवल कल के लिए लोकल। जो गांव में बनता है पहले उसकी प्राथमिकता, वहां नहीं है तो तहसील में, तहसील से बाहर जाना पड़े तो जिले में, जिले के बाहर जाना पड़े तो राज्य में, और मैं नहीं मानता हूं कि उसके बाहर अपने हरी आवश्यकताओं के लिए कहीं जाना पड़ेगा। कितना बड़ा बल मिलेगा हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कितना बल मिलेगा लघु उद्यमियों को, कितना बल मिलेगा हमारी परंपरागत चीजों को, कितना बल मिलेगा। भाइयों बहनों, हमें मोबाइल फोन अच्छा लगता है, हमें व्हाट्सएप भेजना अच्छा लगता है, हमें फेसबुक ट्विटर पर रहना अच्छा लगता है, लेकिन देश की इकोनॉमी में भी इसके कारण हम मदद कर सकते हैं। जानकारियों के लिए टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग है, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भी टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग है। और सामान्य नागरिक, हम डिजिटल पेमेंट के लिए क्यों न चले। आज हमें गर्व है कि हमारा रुपे कार्ड सिंगापुर में चल रहा है, हमारा रुपे कार्ड आने वाले दिनों में और देशों में भी चलने वाला है, हमारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूती के साथ उभर रहा है। लेकिन हमारे गांव में छोटी छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे छोटे मॉल में भी हम क्यों ना डिजिटल पेमेंट की ओर बल दें। आइए ईमानदारी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए हम ये डिजिटल पेमेंट, और मैं तो व्यापारियों को कहूंगा, आप बोर्ड लगाते हैं, ज्यादातर गांव में जाओगे व्यापारियों के बोर्ड होते हैं, आज नकद कल उधार, ऐसा बोर्ड लगा रहता है, आज नकद कल उधार। मैं चाहता हूं कि अब तो हमने बोर्ड लगाता ना, ये डिजिटल पेमेंट को हा, नकद को ना, ये एक माहौल बनाना चाहिए। मैं बैंकिंग क्षेत्र को आग्रह करता हूं, मैं व्यापार जगत के लोगों को आग्रह करता हूं कि आइए हम इन चीजों को बल दें। हमारे देश में
मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है, अच्छी बात है। साल में एक दो बार परिवार के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में टूरिस्ट के रूप में भी जाते हैं, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज ऐसे सभी परिवारों से आग्रह करता हूं, देश के लिए, जब देश आजादी का 75 साल मना रहा है तब, देश के लिए इतने महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं तब, जिंदगी खपा दी है तब, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संतान भी हमारे देश की बारीकियों को समझे? कौन मां बाप नहीं चाहेगा कि हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी भावात्मक रूप से इस मिट्टी से जुड़े, इसके इतिहास से जुड़े, उसके हवाओं से, उसके पानी से नई ऊर्जा प्राप्त करे? यह हमने प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। हम कितने ही आगे बढ़े लेकिन जड़ों से कटना हमें कभी भी बचा नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। और इसलिए जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे? वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है, और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप न करें? क्यों हर राज्य में 2 या 5 या 7 टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार टारगेट करके तय करें, और हम तय करें? हमारा नॉर्थ ईस्ट इतनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट को बनाती है? ज्यादा कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है आपको, 7 दिन 10 दिन निकालते ही हैं, लेकिन देश के भीतर ही निकालिए, आप देखिए, आप जहां जाकर के आएंगे वहां नई दुनिया खड़ी कर करके आएंगे, बीज रोपित करके आ जाएंगे, और जीवन में आपको भी संतोष मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग जाना शुरू करें तो दुनिया के लोग भी आना शुरू करेंगे। हम दुनिया में जाएंगे और कहेंगे कि आपने वो देखा है, कोई टूरिस्ट हमको पूछेगा कि भाई आप हिंदुस्तान से आ रहे हो, आपने तमिलनाडु का वो टेम्पल देखा है? और हम कहेंगे नहीं मैं नहीं गया, तो वो हमें पूछेगा अरे कमाल हो, मैं तो तुम्हारे देश में तिरुपति तमिलनाडु के मंदिर देखने चला गया था और तुम यहां देखने आए हो। हम दुनिया में जाएं, अपने देश को जान करके जाएं, हम इस काम कर सकते हैं। मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं, मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए। ये धरती हमारी मां है, भारत माता की जय। बोलते ही हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है, वंदे मातरम बोलते ही इस धरती मां के लिए खप जाने की प्रेरणा मिलती है, एक दीर्घकालीन इतिहास हमारे सामने आता है। लेकिन क्या कभी हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है? हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी धरती मां को तबाह कर रहे हैं। इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। मेरी धरती मां को दुखी करने का हक नहीं है। मेरी धरती मां को बीमार बना देने का हक नहीं है। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है, क्या हम
10% 20% 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे, हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। आप देखिए देश की कितनी बड़ी सेवा होगी, हमारी धरती मां को बचाने में आपका कितना बड़ा योगदान होगा। वंदे मातरम कहकर के जो फांसी के तख्त पर चढ़ गया था उसके सपनों को पूरा करने के लिए ये धरती मां को बचाने का आपका काम उसके भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा जो कभी फांसी के तख्त पर चढ़ करके वंदे मातरम कहा करता था। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं और मैं मुझे विश्वास है कि मेरे देशवासी ये करके रहेंगे, मेरे किसान मेरी इस मांग को पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश के प्रोफेशनल्स, उनकी आज पूरी दुनिया में गूंज है, उनके सामर्थ्य की चर्चा है, लोग उनका लोहा मानता है। स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हमने नए मुकाम प्राप्त किए हैं। हमारे लिए खुशी बात है कि हमारा चंद्रयान तेजी से चांद के उस छोर की ओर आगे बढ़ रहा है जहां अब तक कोई नहीं गया है। हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि है। उसी प्रकार से खेल के मैदानों में हम बहुत कम नजर आते थे, आज दुनिया के खेल के मैदानों में मेरे देश के 18, 20 साल, 22 साल के बेटे बेटियां हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहरा रही है। कितना गर्व होता है, देश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे देशवासियों, हमने हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमें हमारे देश में बदलाव लाना है, हमने हमारे देश में नई ऊंचाइयों को पार करना है और मिलजुल करके करना है। सरकार और जनता ने मिलकर के करना है, 130 करोड़ देशवासियों ने करना है। देश का प्रधानमंत्री भी आप ही की तरह इस देश का एक बालक है, इस देश का एक नागरिक है। हम सब ने मिलकर के करना चाहे। आने वाले दिनों में गांव में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर करने होंगे, हेल्थ सेंटर बनाने होंगे, हर 3 लोकसभा के बीच एक मेडिकल कॉलेज हमारे नौजवानों को डॉक्टर बनने के सपने पूरा कराने हैं, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए घर बनाने हैं, हमने 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है, 1.25 लाख किलोमीटर गांवों की सड़कें बनानी है, हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है, 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप का जाल बिछाना है, अनेक सपनों को लेकर के आगे बढ़ना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें देशवासियों ने मिलकर के सपनों को लेकर के देश को आगे बढ़ने के लिए चलना है और आजादी के 75 साल इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जानता हूं लाल किले की प्राचीर पर समय की भी सीमा है, उनके सपने भी हैं, 130 करोड़ देशवासियों की अपनी चुनौतियां भी है, हर सपने को हर चुनौती का अपना महत्व भी है, कोई अधिक महत्वपूर्ण है कोई कम महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। लेकिन बारिश की मौसम है, लंबा बोलते बोलते भी पूरा होने की संभावना नहीं है, और इसलिए हर इश्यू का अपना महत्व होने के बावजूद जितनी चीजें आज कह पाया हूं, जो नहीं कह पाया हूं वो भी महत्वपूर्ण है, उन बातों को लेकर के हम आगे बढ़े। देश को हमें आगे बढ़ाना है, आजादी के 75 साल, गांधी के 150 और भारत के संविधान के 70 साल हो रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के सपने, और ये वर्ष महत्व है, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी है। आइए बाबा साहब अंबेडकर, गुरु नानक देव जी की शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़े और एक उत्तम समाज का निर्माण, उत्तम देश का निर्माण, विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण हमें करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे लक्ष्य हिमालय जितने ही ऊंचे हैं, हमारे लक्ष्य
हिमालय जितने ही ऊंचे हैं, हमारे सपने अनगिनत असंख्य तारों से भी ज्यादा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे हौसले की उड़ान, उसके आगे आसमान भी कुछ नहीं है। ये संकल्प है हमारा, सामर्थ्य हिंद महासागर जितना अथाह है। हमारा सामर्थ्य हिंद महासागर जितना अथाह है। हमारी कोशिशें गंगा की धारा जितनी पवित्र है, निरंतर है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मूल्यों के पीछे हजारों साल की पुरानी संस्कृति, ऋषियों की मुनियों की तपस्या, देशवासियों का त्याग, कठोर परिश्रम, ये हमारी प्रेरणा है। आइए हम इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं आदर्शों के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ सिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के हम चल पड़े नया भारत निर्माण करने के लिए। अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए नया आत्मविश्वास, नया संकल्प, नया भारत की बनाने की जड़ी बूटी है। आइए हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार देश के लिए जीने वाले, देश के लिए जूझने वाले, देश के लिए मरने वाले, देश के लिए कर गुजरने वाले हर किसी को नमन करते हुए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।